भाई खवातीनों हजरात, क्या हाल है आपके? ठीक ही होंगे, वरना बुरे हालात में कौन यूट्यूब लगाता है यार। आपको ये बताना चलूं कि मैं और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का एक नॉर्मल सा नाम है मुस्तफा, बहुत लोगों के नाम होते हैं, हमारे साथ मौजूद है मुस्तफा भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हम जिसके ऊपर अपना ज्ञान बांटेंगे, अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको शो ऑफ करेंगे, वो सेगमेंट है इवनिंग स्पेशल की, जो खबरें नहीं होती गंदी, अपनी बीवी मानना है कि माँ मानना है, दादी मानना है, माँ मानना गंदी नहीं बल्कि मतलब इररिलेवेंट खबरें दुनिया की, उनके ऊपर हम अपना रिएक्शन भी देंगे और डिस्कस करेंगे कि यार इन खबरों की कितनी वैल्यू है। ठीक है मुस्तफा भाई, रेडी हैं आप मेरे बिल्कुल है सर। पहली खबर जो मार्केट में आई है वो ये आई है कि एक पाकिस्तान के गांव में एक लड़की लड़के ने रिश्ता पक्का किया एक 22 साल की लड़की से। ठीक है। और जब पैकेज घर आया, शादी होके घर आई खातून, और जब घूंघट उठाया गया तो उसमें 70 साल की आंटी थी। चेक करो आप। और मैं चाहता हूँ कि ये खबर आप देखें, मैं और आप दोनों मिलकर देखें। उन्होंने खुद मैंने बिठाया गड्डी दे विच। 20 साल दी लड़की विखा दे, 70 साल दी बुढ़ी पा दी ने। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਔਰਤ 70 ਸਾਲ ਕੀ ਬਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੋਗਾ, ਉਸਕਾ ਵੀ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਦੇਖਿਏ ਉਸਕੇ ਐਂਗਲ ਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਤੂੰ ਬੋਈ ਕੌਨ ਸਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਵੇ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਆਪਸ ਮੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦੋ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੋਜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੋਜਾ ਮੰਨਦਾ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਬੁੱਢੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਜੋ ਖਬਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕਹਾ ਭਾਈ ਜਾਲੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਲੜਕੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਤਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਨ ਹੈ, ਸੀਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਬਤਾਊਂ ਆਪ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਆਪਕੀ ਹੋਗੀ ਜੋ ਆਪਕੋ ਦੁਆ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਮਗਰਬ, ਔਰ ਮਗਰਬ ਮੇਂ ਡਾਂਟ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ, ਮਗਰਬ ਮੇਂ ਡਾਂਟ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਤ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲੋ। कौन कौन कहता है भाई, कौन कहता है? मोहम्मद शाह, आपने कितना खर्चा किया शादी पे? 2,20,000 रुपए। मैं बताऊं ये सुबह पता है, पता चला सुबह सुबह गेम हुआ ये कि यार ये क्या रात रात दूल्हा जो था ना वो इसने गाँव का दूल्हा इस नशे में था कि चलो कुछ आ रहा है। की बेचे गाय बेची है ने, को कर्जा जाया उसने बहुत अरसे का रुका हुआ था, आपने बहुत अरसे का उसके मुंह से लग रहा है, उसके मुंह से लग रहा है कि बचपन से इसी दिन के लिए रुका हुआ था। तो ये घूंग इसने लोग यूजुअली वैसे घूंगर उठाते हैं, इसने कहा छोड़ो यार ये बाद में देखा। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, दुआएं भी बहुत मिली हैं, दुआएं बहुत मिली हैं इसको यार। ये भी तो हो सकता है कि ये आया उसे सलाम किया हो तो होने वाली बीवी ने कहा हो जीते रहिए, शफकत का हाथ सर पे रख दिया। नहीं ये तो देखो एज बहुत ज्यादा है तो मतलब वो बताया भी है कि यूं नहीं, ये बताया भी हाँ यूं नहीं, यूं नहीं सही से खाओ। मैं उनके घर काम कर दी। अच्छा सुबह जब ये खाना रखा है ना, पकड़ा ही पता है खाते है, सुबह जब खाना रखा है तो भतीजी जो गिर गई थी ना, गिर गई थी फड्डे में, गिरी फड्डे में गिरी है, वो यहाँ चिपकी हुई थी, इधर देख रही है इधर चिपकी हुई थी, वो वहां से पकड़ाई हुई है फर्स्ट। मैं बताऊँ आपको जो दूल्हा रात में जो है ना बगैर बत्तीसी वाले मुंह के मजे, मतलब मजे कह रहा हूँ, बगैर बत्तीसी वाले मुंह के जो अलग वो होती ना यार, एक माहौल होता होगा, हमें वो बना रहा होगा यार। ये कि मैं दांत तोड़ गया ना, मैं बता दू ये धक्की पूरी हुई है, ये सुबह जब उठा है ना तो ये चल रहा था, इसने ये जब नजर पड़ी ना तो बत्तीसी हाथ में साफ अच्छा जो एक्सपीरियंस लोग एक्सपीरियंस मैकेनिक होता है वो थूक लगा के भी चेक करता है पाकिस्तान में मुस्तफा भाई, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो थूक से होती है। सही बात है, सही है। पंक्चर वाला ये चेक करेगा, प्लम्बर आएगा आपके घर में, प्लम्बर पाइप टाइट करेगा, लगा के चेक करेगा। गाड़ी में आप कोई काम कराने जाओगे और टाइट करके चेक करेगा, आंटी ने भी चेक किया, नजर न लगे थूक फेंक दिया थोड़ा सा। थाना दाने वाले बिहाड़ी दे विच तुहाडा पहले भी तुहाडे नाम तुसी नाम साथ मुजरिम ओदे विच। हां जी ओ डकैतियां चोरियां जद्दी पुष्टि कर दे। और कितने अरसे बाद चूल्हा जलाए आंटी, आग जो लगी है। अब ये पता नहीं कितने अरसे बाद, ये क्लियर नहीं है स्टोरी में कि आंटी का चूल्हा आया पहली बार जला है या आंटी चूल्हे पे हल्की आंच पकती रही, ये पता नहीं, ये रिवायत तो भी नहीं आया भाई। मैं बताऊं जली नहीं है आंटी, नहीं जली है भले हल्की आंच पे हो। तुसी शादीशुदा हो? हाँ जी मेरा घर वाला फौत होया हुआ है मेरे। जिधर भी हनीमून पे जहाँ जहाँ भी गए ना, ये कब्रिस्तान के रेडियस के करीब रहे बहुत। मैंने जहाँ तक सुना था कि आंटी ने जो था हनीमून के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पतोकी के बाहर ही खेमा बीमा लगवा लिया था।
खबर टीवी वालों ने यह चलाई कि धोखा हुआ है मर्द के साथ, धोखा हुआ है। मैं कहूंगा औरत के साथ धोखा हुआ है।